नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। नोरान ने दिया है सजेशन, और वो भी कलर्स टीवी को। क्या कुछ कह रही है विवियन डिसेना की पत्नी नोरान अली चाहत और विवियन की जोड़ी को लेकर, चलिए बताएंगे आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। विवियन डिसेना की पत्नी नोरान अली अपने पति को जमकर सपोर्ट कर रही है, और तो और उनके लिए ट्रेंड भी चलवा रही है। तो ये कोशिश है कि विवियन डिसेना इस सीजन की ट्रॉफी जीत जाए, और ये उनकी पत्नी का भी सपना है। खैर, 8 साल की मेहनत के बाद मेकर्स विवियन डिसेना को लेकर आ तो गए, लेकिन शो में आते ही उनका चाहत के साथ 36 का आंकड़ा सबको देखने को मिला। और कल के एपिसोड में रवि किशन ने एक एक्ट दिया, जिसे आप टास्क भी कह सकते हैं, और ये टास्क था रोमांस का, चाहत और विवियन के बीच में, जो कि पहली बार देखने को मिला। और इससे लेकर चाहत की हंसी तो छूटी, विवियन की भी छूट गई। लेकिन इसी रोमांटिक सीन को देखने के बाद विवियन डिसेना की पत्नी ने एडवाइस दे दी है कलर्स टीवी को। विवियन डिसेना की पत्नी ने कमेंट कर लिखा है कि दोनों को कास्ट कीजिए, क्यूट जोड़ी है, सुपरहिट जोड़ी है। तो ये कह रही है नोरान अली कलर्स टीवी से कि दोनों को एक ही शो में लाया जाए और एक साथ शूट करवाया जाए, और वो शो भी हिट होगा, जोड़ी भी सुपर डुपर हिट है, क्यूट जोड़ी है। और डेफिनेटली चाहत पांडे जहां क्यूट है, वहीं विवियन डिसेना भी काफी हैंडसम है। और दोनों जब साथ में रोमांटिक सीन कर रहे थे तो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, और लोगों को इनकी जोड़ी भी पसंद आई। हालांकि वो एक्ट बहुत छोटा था, क्योंकि उसको पूरा करने से पहले ही विवियन डिसेना भी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। लेकिन विवियन की वाइफ चाहती है, इसीलिए उन्होंने कलर्स के पोस्ट पर ही कमेंट कर ये बात लिख दी है, और कहा है कि दोनों को कास्ट कर लीजिए। देखना होगा कि कलर्स टीवी क्या नूरान की बात को मानेगा।